एक आदमी को रेशम के कीड़े का खोल मिला जिसमें से तितली निकलने वाली थी। वो उस खोल को अपने घर ले आया ताकि देखे कि इसमें से तितली कैसे निकलती है। एक दिन उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई और वो खोल खुलने लगा। वो आदमी जल्दी से बैठ गया और खोल को देखने लगा कि अभी इसमें से तितली निकलेगी। देखते देखते कई घंटे गुजर गए और वो तितली उस छोटे से सुराख से निकलने की कोशिश करती रही और फिर अचानक उसमें हलचल होना बंद हो गई। ऐसा लगने लगा था कि जैसे तितली ने अपना सारा जोर लगा दिया जितना वो लगा सकती थी और अब उसमें मजीद हिम्मत नहीं कि खुद को इस खोल से आजाद करवा सके। उस आदमी ने तितली की मदद करने की ठानी। उसने कैंची उठाई और उस खोल को काट दिया ताकि तितली आजाद हो जाए। उसकी मदद से वो तितली आसानी से खोल से बाहर आ गई, लेकिन उस तितली का जिस्म सूजा हुआ था और उसके पर अकड़े हुए थे। वो आदमी मजीद कई घंटों तक उसे देखता रहा कि किसी भी पल इसके पर बड़े हो जाएंगे और ये उड़ने लगेगी। ये पल वो मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उसे देखता रहा, लेकिन वो पल कभी नहीं आया और हकीकत में उस तितली की बाकी की जिंदगी जमीन पर रेंगते गुजरी और वो कभी उड़ ना सकी। उस आदमी ने अपनी मेहरबानी और जल्दबाजी में जो किया वो अनजाने में बहुत ही बुरा हुआ। वो नहीं जानता था कि तितली का उस खोल में से जिद्दोजहद करके निकलना कितना जरूरी है। उस तितली का जिद्दोजहद करना खुदा की तरफ से एक रास्ता है। जब तितली खोल में से निकलने के लिए जिद्दोजहद करती है तो उसके परों में उसके जिस्म से एक ऐसा फ्लूइड जाता है जो इसके परों को भरता है और इसके जिस्म को हल्का करता है ताकि तितली उड़ सके। कई बार हमारी जिंदगी को स्ट्रगल्स की जरूरत होती है और अगर खुदा हमारी जिंदगियों में मुश्किलात को आने ना दे तो हमारी जिंदगी लंगड़ी हो जाती है। हम कभी भी उतने मजबूत नहीं बन पाते जितना हम बन सकते हैं। हम कभी फिर उड़ नहीं पाते। मैंने कुव्वत मांगी और खुदा ने मुझे मुश्किलात दी ताकि मैं मजबूत बनूं। मैंने हिकमत मांगी और खुदा ने मुझे मसाइल दिए ताकि मैं उनको हल करूं। मैंने खुशहाल जिंदगी मांगी और खुदा ने मुझे दिमाग और सेहत दी ताकि मैं काम करूं। मैंने हिम्मत मांगी तो खुदा ने मुझे खतरा दिया ताकि मैं दलेर बनूं। मैंने प्यार मांगा और खुदा ने मुझे मुसीबत ज्यादा लोग दिए ताकि मैं उनकी मदद करूं। मैंने इमदाद मांगी और खुदा ने मुझे मौके दिए। मुझे कुछ नहीं मिला जो मैं चाहता था, मुझे वो सब मिला जो मुझे चाहिए था। हमेशा खुदा पर भरोसा रखो, वो जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। हर काम में खुदा से सलाह लो। खुद से ऐसा कुछ ना करो जिससे नुकसान हो, बल्कि हर चीज में सब्र और शुक्र करते रहो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपने सीखा होगा कि जल्दबाजी के कामों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा सब्र और शुक्र करते रहो और ये जानो कि खुदा कभी भी आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी मुश्किलात नहीं लेके आएगा जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही कभी आपको ऐसी मुसीबत में डालेगा कि जिससे कोई भलाई पैदा ना हो। तो दोस्तों, अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।